नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग नॉलेज अप टू डेट चैनल। हमारे एक साथी ने पूछा कि सर, सीसीपीटी मेल्ट होता है तो जीआर नॉच पर अटक जाता है, लेकिन जब सीसीबीए या एडिशनल सीसीबीए मेल्ट होता है तो जीआर जीरो पर आ जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए सर्किट से देखते हैं। तो हम इस सर्किट में देख रहे हैं कि सीसीपीटी जब मेल्ट हो जाता है तो जीआर नॉच पर क्यों अटक जाता है, वो देख रहे हैं। तो सीसीपीटी जब मेल्ट हो जाता है तो बैटरी का जो पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ से कट हो जाता है, और जब सप्लाई कट हो जाएगा तो इधर जो सप्लाई आती है V2 को, ये V2 है, तो V2 जब इनर्जाइज नहीं होगा तो GR जीरो पर नहीं आएगा, यानी कि जो रिग्रेशन है वो रुक जाएगा। इसलिए सीसीपीटी कभी भी मेल्ट हो जाता है तो LSGR लैंप प्रकाशित नहीं होता है और GR जीरो पर नहीं आता है, ये बात आप लोग जानते हैं। लेकिन हमारे साथी ने जो सवाल पूछा वो एक अलग टाइप का सवाल है। उनका कहना ये है कि जब सीसीपीटी मेल्ट हो जाता है तो V2 इनर्जाइज नहीं होता, इसलिए GR अटक जाता है, लेकिन सीसीबीए या एडिशनल सीसीबीए जब मेल्ट हो जाता है तो फिर सप्लाई तो बिल्कुल कट गई, तो फिर GR जीरो पर क्यों, कैसे आ जाता है? यानी कि उनका कहना सही है कि भाई एडिशनल सीसीबीए या सीसीबीए मेल्ट हो गया तो GR जीरो पर आ जाता है, बिल्कुल सही है। तो कैसे आ जाता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब उन्होंने बात की है सीसीबी, एडिशनल सीसीबीए और सीसीबीए की, तो भाई ये मेल्ट हो जाए तो GR जीरो पर क्यों आ जाता है, अटकता क्यों नहीं? तो उस समय क्या होता है, गाड़ी तो चल रही थी और सीसीबी एडिशनल सीसीबीए मेल्ट हो गया। मैं और भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, चलती गाड़ी में सीसीबीए मेल्ट होवे या एडिशनल सीसीबीए मेल्ट होवे, गाड़ी के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? ये बैटरी के सर्किट में, लेकिन गाड़ी चालू है तो ये चार्जर है, चार्जर की सप्लाई से सभी फ्यूजों को सप्लाई चालू रहती है, ठीक है, इसलिए गाड़ी के संचालन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात कर रहे हैं कि भाई फिर वो GR जीरो पर कैसे आ जाता है, क्योंकि उसमें गाड़ी चालू थी और इधर से सप्लाई भी चालू थी, सीसीपीटी तो मेल्ट हुआ ही नहीं। जब वो मेल्ट नहीं हुआ तो V2 जो है उसको सप्लाई गई और रिग्रेशन आ गया, ठीक है, यानी कि ये तो ये भली मेल्ट हुए लेकिन सीसीपीटी मेल्ट नहीं हुआ, ये मेल्ट हुए इसलिए रिग्रेशन जो आप रखोगे वो रिग्रेशन आ, ठीक है, ये मेल्ट हुए, लेकिन ये मेल्ट हुए हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा। हमको कब मालूम पड़ेगा? जब किसी कारण से आप VCB ओपन करोगे, या फिर VCB किसी कारण से ओपन हो जाएगा और जब दोबारा क्लोज नहीं होगा तब इनके बारे में मालूम पड़ेगा। इसलिए इस बात को पक्का कर लो, CCBA एडिशनल हो चाहे CCBA हो, उसके मेल्ट होने से GR नॉच पर नहीं अटकता है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई चालू रहती है और CCPT बराबर है, इसलिए GR जीरो पर या रिग्रेशन आ जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करना, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।